वेलकम टू डिवाइन केयर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन, जिसको कि हम पोषण भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं। इसको मनाने के पीछे जो एक कारण है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें, उनको बता सकें न्यूट्रिशन, पोषण की वैल्यू के बारे में, उन्हें अवेयर करा सकें और साथ में कुपोषण पर नियंत्रण पा सकें। सबसे पहले बहुत शॉर्ट में हम ये जानेंगे कि क्या महत्व है पोषण का। जब हम अच्छे पोषण की बात करते हैं तो अच्छा पोषण हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत फिज़िकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर भी बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा पोषण लें। जब हम पोषण या न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमने ये बात की कि हमें पोषण मिलता है एक बैलेंस डाइट से, एक संतुलित आहार से। तो हमारे आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, हम सभी लोग जानते हैं बहुत बेसिक से कि 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हैं विटामिंस एंड मिनरल्स। तो जब हम एक पोषक डाइट की बात कर रहे हैं, एक बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, तो उसमें इन सभी ग्रुप से फूड आइटम्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम एक दूसरी बात डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे पोषण से हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा, जो हमारी बॉडी में टूट फूट हो रही थी, वियर टियर हो रहे थे, वो टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं। और तीसरी चीज़ कि मसल ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों को डिटेल डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। हम कुछ आगे के लेवल की बातें करेंगे। हेल्दी डाइट के लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड तो चाहिए, अलग अलग फूड ग्रुप से, मतलब सभी फूड ग्रुप से आइटम्स होने चाहिए हमारी डाइट में। और साथ में एक रिकमेंडेड सर्विंग होनी चाहिए, कि मतलब जितनी हमें ज़रूरत है वो एक रिकमेंडेशन होती है, हमें उसी के अनुसार उन फूड आइटम्स को लेना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारी डाइट में शुगर और फैट कम मात्रा में होनी चाहिए और सॉल्ट भी कम मात्रा में होनी चाहिए। ये हमने बात की एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हम फूड ग्रुप्स के बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत बेसिक है, सभी लोगों को पता है। हम थोड़ा इससे आगे की बात करेंगे कि जब हम शॉपिंग कर रहे हैं, अपने फूड आइटम्स हम खरीद रहे हैं, तो हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए कि हम हेल्दी फूड आइटम्स खरीद सकें। उसके लिए सबसे पहली चीज़, जो भी हम फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनके ऊपर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं, हमें उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए और हमें वो समझ भी आने चाहिए। हम जो भी फूड आइटम ले रहे हैं, चाहे वो केंड है, चाहे फ्रोज़न है, कोई भी पैक्ड फूड आइटम है, उसके ऊपर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स ज़रूर लिखे होते हैं। सबसे पहली चीज़, उस लेबल पर उन सभी चीज़ों को लिस्ट किया जाता है जो कि बाय लॉज प्रोडक्ट के बारे में बताई जानी चाहिए। दूसरी चीज़, वो उस फूड आइटम की सर्विंग भी बताते हैं कि एक सर्विंग में कितने ग्राम फैट है और कितनी कैलोरीज हैं और कितनी कैलोरीज हमें फैट से मिल रही हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उस लेबल पर मिलती हैं। साथ में उस फूड आइटम में कितने विटामिन और मिनरल्स हैं, ये सभी जानकारी हमें उन न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में पढ़ने को मिल जाती है। तो हमें एक बार उसको भी ज़रूर देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया कि हम कैसे फूड लेबल्स को पढ़ें और समझें, तब एक हेल्दी शॉपिंग करें। अब नेक्स्ट एक बात आती है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कि लोग विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं। तो उसके बारे में भी मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूँगी कि हमें ये कब लेने चाहिए विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स। जब हम बात कर रहे होते हैं एक बैलेंस डाइट की, तो उसमें हमें सभी मिनरल्स और विटामिंस जो कि हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, वो हमें सफिशिएंट मात्रा में मिल जाते हैं, ज़्यादातर विटामिंस। और अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग विटामिन हमें अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। लेकिन
अगर हमारी डाइट में वैरायटी ऑफ फूड आइटम नहीं है और हर ग्रुप का फूड आइटम नहीं है तो क्या होता है कि हमारी डाइट में कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की कमी रह जाती है जो कि हमें सप्लीमेंट की हेल्प से पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन जो लोग अपने मन से बिना जाने इन सप्लीमेंट्स को लेना शुरू कर देते हैं तो यहाँ एक अवेयरनेस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिनरल्स हमें बहुत कम मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है। हम अगर उसे डाइट में भी ले रहे हैं और एडिशनल अपने को ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए या ज़्यादा एनर्जेटिक रखने के लिए हम सप्लीमेंट्स भी लेने शुरू कर लेते हैं तो क्या होता है, इनका फ़ायदा होने की बजाय हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक सी बात करी न्यूट्रिशन के बारे में जो कि हमारे आज के लाइफस्टाइल में हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में और भी कुछ जानकारी चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि हम भी इस वीक में, क्योंकि हम न्यूट्रिशन वीक मना रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक, तो हम भी उसके बारे में और बात करें कि बच्चों की डाइट में हम कौन से फूड आइटम ऐड ऑन करें या क्या एक बैलेंस्ड डाइट है या हमें क्या सिम्टम मिलते हैं कि हमारी डाइट बैलेंस्ड है कि नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं। अगर आपको लग रहा है तो डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में एक दो दिन में और वीडियोस इसके ऊपर डालूंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप और लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सब बातों के लिए अवेयर हो सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी वेबसाइट और ऐप पर भी अवेलेबल हैं, आप इन्हें वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। हमारी ऐप और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। ऐप का नाम डिवाइन केयर है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।